हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच। 15,000 का हमारा फैमिली हो चुका है और मुझे मिलियन या बिलियन से मतलब नहीं है। हमारे बच्चे वो पढ़ डाउट पूछते हैं, उस बात की मुझे बहुत खुशी है कि क्वेरी पूछते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी के सारे डाउट लिए जाएँ, कमेंट के सारे रिप्लाई किए जाएँ। थोड़ा सा लेट जल्दी हो जाता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा कि भैया लेट हो जाते हैं, क्योंकि लाइव क्लास का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और मैं रियली बताऊँ तो काम बुक जो टाइपिंग है, जैसे आप देखोगे तो अभी सेमेस्टर 5 का मेरे पास पड़ा हुआ है, आप देखोगे इसके अंदर भी सारे कंटेंट कर रहा हूँ मैं। इनकम टैक्स की बुक को मैं बार बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, बार बार। अभी एक बार तो रिवाइज़ हो चुका है, दूसरी बार मार्केट में आ जाएगा। शिवदास का 10 ईयर जैसे लोगे, उसी के अंदर मेरी वीडियोज़ वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, सारी चीज़ें रहती है, तो वो भी रिवाइज़ कर रहा हूँ। साथ के साथ सर, SOL के अंदर कुछ दो नहीं हूँ, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्चेस हो रहे हैं। तो आप लोगों को तो खैर थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, आप लोगों को बाद में बात पता चलेगी कौन कौन से कोर्सेज आएंगे। मैं जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए अभी से ही मैंने मटेरियल बनाना चालू कर दिया है। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं आज इनकम टैक्स BCom ऑनर्स के लिए। और सर, ये जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है SOL के अंदर, तो काफ़ी बच्चे बहुत लाइट ले रहे हैं। और ऑनर्स के अंदर, SOL के अंदर मैं बताऊं, और प्रोग्राम और रेगुलर के अंदर तो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, वो दिख रहा है। सर, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर रेगुलर में और SOL में फ़र्क है, रेगुलर में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, SOL में कम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बोलना चाहूँगा रेगुलर के बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज के साथ देखो कॉलेज जा रहे हैं, इंटरेक्ट हैं, साथ के साथ पढ़ भी रहे हैं, टेंशन भी यार एग्ज़ाम में पास होना है। SOL वाले वाले सोच रहे हैं कि 1 महीने पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो चलिए, अभी जो मैं आपके सामने ये वीडियो है, किस पर्पस के लिए है, आपको बताया जाएगा कि पूरा पेपर किस हिसाब से डिज़ाइन हो रहा है आपका, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। तो सर, आपका पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के आसपास का आता है। और 5 यानी मैं इसको थोड़ा सा वेटेज कम करना चाहूँगा, 5 ना बोल के 3 to 5 कहूँगा मैं, 3 to 5 मार्क्स का वेटेज रखेगा सर ये। ओके सर। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, सर ये 5 मार्क्स का मान लीजिए आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। सैलरी सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसके और में भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। HP और कैपिटल गेन सर, इस दोनों में से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये ज़्यादातर और में पूछ लिया जाता है, और 10 नंबर में दोनों में से कोई एक करना होता है, 10 मार्क्स का रहता है। सर PGPP सर, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर PGPP का आपके एग्जाम में, और PGPP 15 मार्क्स का, इसके ऑप्शन में पार्टनरशिप का रहेगा आपका 15 मार्क्स का, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग है। या तो PGPP का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा या पार्टनरशिप का, या दोनों ऑप्शन में भी मिल सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। डिडक्शन सर 6 नंबर का आता है, डिडक्शन आएगा 6 नंबर का। इसके बाद सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड की हम बात करें या क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करें, तो ये सपोर्टिंग चैप्टर है, तो ये 5-5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पार्टनरशिप मैंने बता दिया, एक बार दोबारा क्विकली बता दें सर, बेसिक कंसेप्ट, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन की डेफिनेशन वो 5 नंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस NOR ROR जो बताया था, सैलरी पूरा अभी चल रहा है लाइव क्लास में, तो चलो अभी स्टार्ट हो चुका है, सैलरी काफ़ी हद तक आगे पहुंच गया है। रिकॉर्डेड यूट्यूब पे थोड़ा लेट जा रहा है। HP के अंदर आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे जैसे स्टार्ट होगा यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड होंगी, और लाइव क्लास के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर ऐसा है, और मैं सिंपल बात करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अभी जो है थोड़ा टाइम ना होने की वजह से भी, अभी भी अगर मैं टाइमिंग की मैं बात करूँ तो रात में ही मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली, ताकि आप सभी को सारी इंटीमेशन दी जा सके, ठीक है ना। तो मैं इस टाइम पे लाइव क्लास 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे की ले रहा हूँ, ताकि जल्दी सिलेबस हो, और यूट्यूब पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। देखिए लाइव में अल्टरनेट होता है, मैं यूट्यूब पे सोच रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे देने की क्लासेस, बस फर्क इतना सा, थोड़ा बहुत फर्क है, उस छोड़िए लाइव, मैं सिलेबस की बात करता हूँ। PGPP 15 नंबर का आएगा, इसमें या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाता है, या फिर आपका P&L अकाउंट आ जाता है। डिडक्शन 6 नंबर का आएगा सर, इसके अंदर सेक्शन 80C से लेके 80U तक का है हमारा, 80U तक का हमारा सेक्शन है, अरे ये उल्टा हो गया है ना, 80C से लेके 80U तक का सेक्शन है ये, ठीक है।
इसके बाद सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड सर 5 नंबर 5 नंबर टोटलिंग करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो बनता है सर वो या तो 75 मार्क्स का बनता है या 55 नंबर का, रेगुलर डिपेंड करता है, एग्जामिनर उसी के हिसाब से देंगे। सर बुक कौन सा है? बुक मैंने बताया सर, ग्रीस आहूजा ले लीजिए आप, और सर या फिर वी के सिंघानिया जिसके पास है, प्रैक्टिस के लिए मैंने जितने भी नोट्स कराए हुए हैं वो 10 ईयर के अंदर मैंने दिए हुए हैं, और 10 ईयर शिवदास का जो भी मैं चार्ट वगैरह कराता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को क्वेश्चन डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है अगर, तो वो शिवदास का 10 ईयर बाय कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें, या फ़ोन करके आप शॉप से बाय कर सकते हैं, उसमें सारे नोट्स दिए हुए हैं बाकायदा, आपको 10 ईयर में सारी चीज़ें मेरी डिटेल भी मिल जाएगी। तो सर ये था आपका सिलेबस, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा तो आप जाग जाइए, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट का पेपर मुझे भी पता है कैसा गया था काफ़ी बच्चों का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी उस बात का दुख है कि भैया आपका कॉर्पोरेट का पेपर बहुत ख़राब गया था, क्योंकि पेपर ही अनएक्सपेक्टेड आया था। कुछ बच्चों का हो सकता है अच्छा गया हो, बट फिर भी इनकम टैक्स में तो ऐसा नहीं होने दूंगा कि सारा पेपर जो करवाया है वही आएगा, चाहे मुझे दिन में 3 3 4 4 घंटे की भी क्लासेस लेनी पड़ी, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे क्लास मुझे सुबह 6 बजे या 7 बजे लेनी पड़े, मैं ले रहा हूँ क्लास, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आएगा, पढ़ना स्टार्ट करिए, मार्किंग इसके रिविल हो चुका है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, आपकी जानकारी देनी थी, थैंक यू मच, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट में जरूर दीजिएगा और एंजॉय करिए आप।